नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं करहल थाना पुलिस को मिली सफलता की। जुलाई में एक अज्ञात शव पुलिस को मिला था। शव छत बिछत अवस्था में था, जिसकी पुलिस ने सबसे पहले शिनाख्त की। उसके बाद हत्या का मामला जब प्रकाश में आया तो हत्यारों की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले दो हत्यारों को खोज निकाला और मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। किस वजह से निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया था, पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। आइए आपको भी दिखाते हैं। जिला मुख्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पुलिस अभिरक्षा में मौजूद यही वो दोनों अभियुक्त हैं जिन्होंने बेहद निर्ममता से एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और उसका शव छत बिछत कर झाड़ियों में फेंक दिया था, जिसके कई दिन बाद अज्ञात अवस्था में करहल पुलिस को शव मिला था। पहले पुलिस ने शव की शिनाख्त की, उसके बाद हत्या का मामला सामने आया तो हत्यारों की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार मुखबिर की सूचना पर ग्राम किरथुआ सर्विस रोड से हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 22 जुलाई के दिन थाना करहल क्षेत्र के सैफई बाईपास पर विश्राम सिंह के खेत के पास बनी पुलिया के पास अज्ञात व्यक्ति का शव सड़ी गली अवस्था में पुलिस को मिला था, जिसकी पहचान शकील पुत्र शहाबुद्दीन निवासी नगला गंभीरा के रूप में हुई थी, जिसके बाद परिजनों की ओर से थाने पर हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। हत्या के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से टीम को गठित किया गया था और थाना पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद आखिरकार थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हत्या को अंजाम देने वाले दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में इन्होंने अपने नाम सुशील उर्फ गोलू पुत्र राम अवतार निवासी ग्राम नदरेला थाना कुर्रा, अंकित उर्फ शिवम पुत्र वीरेंद्र दुबे निवासी ग्राम गंभीरा बताया है। वहीं इस घटना में दो और अभियुक्त शामिल हैं जो कि फरार हैं। पुलिस इनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। हत्या को अंजाम इन लोगों ने जमीनी विवाद के चलते दिया था। शकील ने पहले सुशील और शहाबुद्दीन की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन सुशील को इस बात की भनक लग गई तो सुशील ने शकील की निर्मम हत्या कर दी। पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने क्या कुछ बताया है, ये जरा आप भी सुनिए। करहल थाने में 22 जुलाई को एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी और उनका 302 में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस समय बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बाद में उसकी शिनाख्त शकील के रूप में हुई, जो उस थाने का हिस्ट्री सीटर है, जिसके ऊपर कुल लगभग 10-11 मुकदमे में हैं और इसमें दो व्यक्ति पकड़े गए, एक अंकित उर्फ शिवम दुबे और दूसरा गोलू उर्फ सुशील। ये इसके अलावा इस घटना में दो लोग और शामिल थे, सुमित और हरगोविंद। इनके द्वारा अंकित और गोलू के द्वारा बताया गया कि ये शकील उनको मारना चाहता था और इस बात की उनको जानकारी हो गई थी, इसीलिए इन्होंने गोलू के साथ और अपने भाइयों के साथ मिल करके इसकी हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए इसके चेहरे आदि पे प्रहार करके पुलिया के नीचे फेंक दिया था। बाद में उसमें जानवर भी उसको नोच खाए थे, जिसलिए उसकी पहचान मुश्किल हो रही थी। कपड़ों पे और शरीर पे अन्य निशान से और अन्य लोगों से पूछताछ पे इसकी शिनाख्त हुई। शिनाख्त के बाद ये अभियुक्त प्रकाश में आए और इनकी गिरफ्तारी की गई। शेष बचे अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस द्वारा जो ये बहुत अच्छा अनावरण किया गया है, इसके लिए 10,000 रुपये से इनको पुरस्कृत किया जा रहा है।